मोहाली तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे मोहाली दे फेज 5 विच वड्डी वारदात हुई है, वड्डी घटना वापरी है ते परिवार दे नाल खाना खान आए व्यक्ति नू गोली मारी है। दस दी कि गोली मार के 3 व्यक्ति कार लुट के फरार हो गए ने ते दोषियों नू 6 फायर राउंड किए ने ते व्यक्ति की हालत गंभीर दसी जा रही है, हस्पताल रैफर किया गया है। दस दिए कि मोहाली दे फेज 5 दे विच वड्डी घटना वापरी है जिथे एक व्यक्ति अपने परिवार दे नाल खाना खान आया सी ते उसनू गोली मार दिती है, गोली मार के 3 व्यक्ति कार लुट के फरार हो गए ने ते दोषियों ने 6 राउंड फायर किए ने ते व्यक्ति की हालात हुण गंभीर दसी जा रही है ते हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। मोहाली दे फेज 5 दे विच घटना वापरी है जिथे परिवार दे नाल एक व्यक्ति खाना खान गया सी ते खाना खान दे दौरान उत्थे फायरिंग कर दी गई है, व्यक्ति नूं गोलियां लगियां ने, गंभीर जख्मी हो गया है ते जिसनूं अस्पताल रैफर कर दिता गया है ते उसका इलाज भी किया जा रहा है। ਤੇਲੇ ਅਰੁਣ ਹੂਜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੁਣ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟਖੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ परिवार समेत इदा रात समय खाना खान निकलते हैं किसी ना किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी ना किसी होटल दे विच खाना खाते हैं। उस तरह वो फेज 5 दी मार्केट दे विच एक होटल से जिहड़ा रेस्टोरेंट से खाना खाने लिए पहुंचे थे ते 3 जिहड़े व्यक्ति सीगे उन्हां दी I-20 कार नूं लुट्टण दी फराक जिहड़ी, क्योंकि पूरा मामला यही लग रहा है कि लुट्टण दी फराक नाल जिहड़े उत्थे पहुंचे 6 राउंड फायरिंग भी की, क्योंकि उन्होंने विरोध किया करके राउंड फायरिंग करनी पी। उस तो बाद एक जिहड़ा व्यक्ति सीगा मुखी सीगा उहदे सीने दे विच 3 कूड़ियां भी लगियां ने जिन्हां की हालत नाजुक दसी जा रही है। सीमा हस्पताल हैगा 6 फेज दे विच सिविल हस्पताल दे बिल्कुल कोल, उत्थे उहनूं जिहड़ा दाखल करवाया गया ते हालत नूं नाजुक देखते हुए उहनां नूं रात में उस समय PCC दे विच रैफर कर दिता गया ते हजे भी जिहड़ी हालत है काफी नाजुक बनी हुई है। कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या नहीं। फिलहाल जिहड़ी जे गल करिए असीं जिहड़ा जख्मी व्यक्ति है उहदी पहचान है जिहड़ी हरविंदर सिंह वासी रोपड़ के तौर पर हुई है, जिहड़े अक्सर मोहाली चंडीगढ़ के आते सी परिवार समेत शॉपिंग करन ते खाना खान ते इस तरह दी जिहड़ियां वारदातां ने लगातार मोहाली दे विच हो रही ने। पहला बिटू खेड़ा दा कतल इसे तरह दिन दिहाड़े होया ते हजे तक उहदा सुराग पुलिस नहीं लगा सकी। तो वड्डा एक मोहाली पुलिस दी जिहड़ी कारगुजारी है उत्ते सवाल जरूर खड़े करदा है। जी जी अरुण, ते जिहड़े दोषी सी उह जो कि कार लैके फरार हो गए, पुलिस दे वल्लों उहनां दी भाल कीती जा रही है ते कोई गिरफ्तार भी किसी नूं कीता गया या सारे आरोपी हजे फरार दसे जा रहे ने? देखो गिरफ्तारी हजे तक पुलिस कोई उदां दी जानकारी पुलिस तो नहीं मिली हैगी, परंतु ये जरूर कहना पुलिस का भी असी जिहड़े दोषी है आरोपी है उन्होंने नहीं बख्शांगे। असी CCTV जिहड़े जगह जगह से खंगार रहे हैगे आ, असी लगातार उन्हां दा पिछा कर रहे हैं कि वह जल्दी पुलिस के हाथे चढ़ जाण तां जो भविख दे विच इस तरह की कोई अणसुखावी घटना ना वापर जावे। वो जिहड़ी टीम हैगी आ जिहड़े दोषी हैगे ने इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम ना दे सकन। जी तमन्ना जी अरुण, तुसी फिलहाल बने रहो साढ़े नाल।